तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, आज हमारे पास टैक्समो की आदर्श पी मोटर है। इसको हम आपको 5 से 10 रुपए में सही करके बताएंगे। ये मोटर जाम हो गई थी और हमने काफ़ी कोशिश की थी इसको घुमाने की, लेकिन ये चली नहीं। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा देख लेना है। उसके बाद ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मोटर को घर पर ही सही कर सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मोटर है हमारे पास टैक्समो की DMS2 डबल कैपेसिटर वाली। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसको चलाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसका वायर लगा हुआ है, स्विच ऑन करते हैं। आप यहाँ इसकी आवाज़ सुने, और ये हमिंग कर रही है लेकिन रन नहीं कर रही है। हमने इसमें पीछे पेच का चला के घुमा के कोशिश की थी लेकिन चली नहीं। और पीछे का हमने ढक्कन इसका खोल लिया है और मोटर के वहाँ से हटा लिया है फिटिंग से, और अब ये घूम रही है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट घूम रही है। इतनी टाइट है कि ये इसकी पंखड़ी भी पीछे से घुमाने से टूट गई थी, मतलब ज़बरदस्ती जब हम घुमा रहे थे तो टूट गई थी पंखड़ी। तो अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ट्रिक आपको अपनानी है। इसके लिए आपको ये टॉयलेट क्लीनर एसिड लेना होता है, नमक वाला एसिड। आप किसी भी जनरल स्टोर से इसको ले सकते हैं और मात्र 20 रुपये की ये बोतल आती है, और इसमें मात्र आपका 50 ग्राम या 100 ग्राम इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं। और 1 लीटर ये आता है, आप इसमें इस तरीके से डालेंगे और आपको डालकर, मतलब इसके हेड में डालकर आपको छोड़ना है 15 से 20 मिनट या 25 मिनट छोड़ दें बस आप इसको, और उसके बाद फिर इसमें आपको साफ़ पानी से ये वॉश करना होता है। तो इस तरीके से छोड़ दें, अभी मैं आपको लाइव दिखा दूँगा। इसमें आप यहाँ देखें, इस तरीके से आप इसमें छोड़ेंगे और कुछ टाइम छोड़ने के बाद जब आप इसको घुमाएँगे तो ये मोटर आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अभी मैं आपको इसमें डाल के दिखा रहा हूँ और यहीं के यहीं ये फ्री हो जाएगी, कुछ देर बाद ही फ्री हो जाएगी। ये देखें, ये डाल देंगे, पानी जो इसके अंदर हो हेड के अंदर उसको आपको पहले ही खाली कर लेना है, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, और ये देखें, अब इसमें एसिड गया है इसके अंदर। इसकी जो फ्लोराइड है यानी कि जो खार जमी हुई है, जंग जब लगा हुआ है अंदर एम्पलर के और इसके साइड में जो पार्ट हैं उनके, तो वो क्या है कि एसिड से हट जाता है और इसमें उसकी वजह से ये टाइट चलती है। तो यहाँ पर अभी देखें, अभी मैं आपको इसको घुमाकर भी दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, इतनी सी देर में, मतलब थोड़ी देर हुई है इसको और ये काफ़ी फ्री घूम रही है, मतलब आसानी से घूम रही है। ये देखें, मतलब पहले से कम जोर इसमें लगाना पड़ रहा है, और कुछ टाइम हम इसको छोड़ देंगे तो बहुत ही कम जोर हमें इसमें लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं कट करूँगा, अगर लंबा करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 20-25 मिनट इसको छोड़ते हैं, फिर इसको चलाकर दिखाएंगे। तो अब देखें, इसको लगभग 20 मिनट हो चुकी हैं और अब हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने का तरीका सिंपल है, आपको पानी ले लेना है, और पानी कम से कम 2-3 लीटर पानी आप लें। यहाँ पर हमने इसका बोर्ड लगाया है, इस मोटर को हम चलाएँगे सबसे पहले। तो ये देखें, मैं इसके वायर लगा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको चलाऊँगा, और चलाने के बाद यहाँ पर आप देखें ये चल चुकी है। ये देखें, मोटर चल गई है। इसमें थोड़ा सा ये लूज है वायर, तो इसको हम चला देंगे एक बार, और चलाने के बाद जिधर से खींच रही है उधर पानी डालना होगा आपको। अब मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपको इस तरीके से पानी डालना होता है। वो पानी डालेंगे तो इसमें जितना भी एसिड था सारा बाहर आ जाएगा, और इसमें कम से कम 2 या 3 लीटर पानी आप डालें जिससे जितना भी इसका एसिड है वो पूरा बाहर आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, और साफ़ करके फिर इसको लगाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मोटर चल रही है, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आ रही है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल फ्री आपकी मोटर हो जाएगी और आवाज़ भी ये नहीं करेगी। हेड की वजह से ये जाम होती है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है। और एसिड डाले जब तो इसके अंदर ही जाना चाहिए, बाहर मोटर पर ज़्यादा नहीं डलना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखें आप, आसानी से मोटर उठ रही है, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आई है। अब ये 20 रुपये की बोतल थी, मात्र हमारा इसमें 5 रुपये का खर्चा आया होगा, मतलब 5 रुपये का एसिड यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आप मात्र
₹20 की ये बोतल आती है, लेकिन आपका इसमें मात्र ₹5 का ही एसिड लगेगा। और ये एसिड जो है जनरल स्टोर पे इजीली मिल जाता है टॉयलेट क्लीनर के नाम से, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।